हेलो भाई, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इन भाई के जीरो बीएड से भाई फुल बीएड की जर्नी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो से आप लोगों के जो थोड़े बहुत डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इनकी जो एज है भाई वो सिर्फ 19 साल है। इनको पैची बीएड की प्रॉब्लम थी पहले, आप लोग देख सकते हो बीएड की कंडीशन कैसी है। ये जो बीएड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मिनोक्सिडिल के 1 मंथ का रिजल्ट है और आप लोग कंडीशन देख सकते हो कि किस तरह है। इस एरिया में आपको थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स दिख रहे होंगे और इधर के एरिया में जो आपको थोड़े थोड़े बड़े बड़े हेयर्स दिख रहे होंगे। और भाई इन्होंने मिनोक्सिडिल के साथ साथ क्या क्या यूज किया था ये सारे चीज़ों को बताऊंगा। तो आप भी अगर मिनोक्सिडिल को यूज करते होगे तो वो आपके जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो भाई आप लोग देख सकते हो ये इनके मिनोक्सिडिल के 1 मंथ का रिजल्ट है और इन्होंने डॉक्टर रेड्डी का मिनोक्सिडिल यूज किया है। इधर के एरिया में आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इधर के एरिया में थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स जैसे हैं। ये गले के नीचे आप लोग देख सकते हो, इधर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। भाई मेरे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आता है कि भाई इस एरिया में हमको कम बियर्ड आता है तो वो हमें कैसे सही करें। तो भाई देखो ये थोड़ा किसी किसी का जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई। तो इस वजह से भी आप लोगों को इस एरिया में बियर्ड कम आते हैं, जिसका जेनेटिक अच्छा होता है उसको फुल बियर्ड आ जाती है। अब आपको दिखा रहा हूँ भाई 2 मंथ का रिजल्ट। ये इनके 2 मंथ का रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मतलब रिजल्ट इनको मिला है 2 मंथ में। सबसे पहले मैं आपको इधर का बियर्ड दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग चेक कर लो, ये 1 मंथ का बियर्ड है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 मंथ का रिजल्ट, इससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि रिजल्ट कैसा है। इधर के एरिया में आप लोग देख सकते हो इधर का जो बियर्ड है वो थोड़ा थोड़ा मोटा होना स्टार्ट हो चुका है। कंपेयर करें इस वाले बियर्ड से मतलब 1 मंथ वाले बियर्ड से, तो इधर के एरिया में आपको छोटे छोटे थोड़े हेयर्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहीं अगर कंपेयर करें 2 मंथ वाले रिजल्ट में तो आप लोग देख सकते हो बियर्ड जो है हल्का हल्का बड़े भी हो रहे हैं और बहुत सारे बेबी हेयर्स भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब भाई आप लोगों का एक क्वेश्चन और आता है कि भाई हमें मिनोक्सिडिल के साथ साथ क्या क्या यूज करना चाहिए। तो भाई मैं सबसे पहले मैं इनका बता दूँ, इन्होंने डर्मा रोलर भी यूज किया है और साथ में बायोटिन भी यूज किया है, जिससे इनके जो बियर्ड की कंडीशन है आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई 3.5 मंथ का रिजल्ट, ये आप लोग चेक कर सकते हो कितना ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है भाई। 3.5 महीने का रिजल्ट है, आप लोग इस एरिया में इनके बियर्ड की कंडीशन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं सबसे पहले आपको इधर का दिखा दे रहा हूँ, फिर आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेना। इधर के एरिया में ये देखो भाई, ये 1 मंथ का इनका रिजल्ट था। अब मैं आपको 3.5 महीने वाला रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखेगा। ये आप लोग देख लो, ये है 3.5 मंथ का रिजल्ट। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि कितना ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है इनको। और भाई अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करते होगे तो भाई थोड़ा सा देखो आप पेशेंस जरूर रखना, पेशेंस रखोगे तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और भाई इधर के गाल के एरिया में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आपको हेयर्स दिख रहे होंगे। तो आप लोगों का एक और कमेंट आता है कि भाई हमें जो बहुत सारे इधर उधर भी जो बियर्ड हैं वो आ जा रहे हैं, जैसे इधर गले के एरिया में आप लोग देख लो काफ़ी नीचे तक बाल आ गया है। तो इससे भाई कोई भी दिक्कत नहीं होता है, वो मतलब जो कमज़ोर और हल्के बाल होते हैं वो बाद में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे इस एरिया में जो बियर्ड होते हैं जो गाल के डायरेक्ट ऊपर होते हैं ये बियर्ड परमानेंट रहते हैं, जाते नहीं हैं। आप लोग इधर के एरिया में भी देख सकते हो, इधर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बियर्ड ग्रोथ हुआ है भाई। कंपेयर करें 1 मंथ वाले से तो आप लोग चेक कर सकते हो। इधर के एरिया में देख लो, ये है 1 मंथ का ग्रोथ। अब आपको दिखाता हूँ 3.5 महीने वाला ग्रोथ, तो उससे आप लोग कंपेयर कर सकते हो। ये आप लोग देख लो 3.5 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। बेसिकली अगर आप कंटिन्यू मिनोक्सिडिल को यूज करते हो तो ऐसा रिजल्ट आप लोगों को भी मिल सकता है। और भाई मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आप 1 ml से ज़्यादा यूज मत किया करो मिनोक्सिडिल, 1 ml से दोनों गालों पर आप इसको अच्छे से लगा लिया करो। और भाई अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 मंथ का रिजल्ट, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये भाई इनके 6 मंथ का रिजल्ट है और भाई गजब का बियर्ड इनको ग्रोथ हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कंपेयर करें भाई 3.5 महीने वाले रिजल्ट से तो आप लोग ये देख सकते हो। और भाई ये है 6 मंथ का रिजल्ट। अब जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई जो हमारे नीचे बहुत सारे हेयर्स इधर ग्रो हो रहे हैं तो इसको कैसे हटाएं, तो आप लोग देख सकते हो इधर के एरिया में जो इनको बियर्ड बहुत सारे इधर उधर आ गए थे, अब इन्होंने 6 मंथ में जब इसको ट्रिम कराया है तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त शेप में बियर्ड इनको आ चुकी है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अब भाई इधर के एरिया में भी नीचे देख लो, नीचे जो आपके छोटे छोटे बहुत सारे हेयर्स गले के अंदर तक पूरा आ रहे थे, ये आप लोग देख लो सेट कराने के बाद एकदम मस्त हो रहे हैं।
और इधर का लुक आप लोग देख लो, इधर के एरिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त भाई 6 महीने के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इनको मिला है। और भाई ने डर्मा रोलर और बायोटिन दोनों यूज किया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई हमें बायोटिन वगैरह लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो देखो भाई मैं बायोटिन का प्रमोशन तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपकी डाइट बहुत ही अच्छी है, मतलब आप अगर हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको बायोटिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बायोटिन वही काम करता है जो हमारे शरीर में विटामिन हमको नहीं मिल पाते हैं, तो बायोटिन वही काम करता है कि आपको विटामिन ठीक कर देता है। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो भाई बायोटिन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बायोटिन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, उससे आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई। अब भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल इनका बियर्ड का कंडीशन ये है, और आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त इनको रिजल्ट मिला है, और इनका जो बियर्ड है भाई आप लोग देख लो, मोटा भी हो रहा है और काला काला भी निकल रहा है, और इधर गले के एरिया में भी आप चेक कर सकते हो भाई बियर्ड की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप भी मिनोक्जिल को कंटिन्यू यूज़ करते हो तो भाई आपको भी ये रिजल्ट मिल जाएगा। और भाई एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि भाई आप बार बार ब्रांड मत चेंज किया करो, ब्रांड चेंज करने से भी काफ़ी ज़्यादा भाई बियर्ड ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो भाई एक ब्रांड को अगर आप यूज करोगे तो भाई आपको इस तरीके से बियर्ड ग्रोथ हो सकती है। और भाई अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। और भाई इस टाइम बियर्ड की कंडीशन आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। एक चीज़ भाई मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप मिनोक्सिडिल को छोड़ते हो तो भाई मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद इवियान 400 कैप्सूल ज़रूर यूज किया करो, इससे आपके बियर्ड ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपके जो हल्के हल्के पैचेस होंगे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, वो भर जाएंगे, और आपकी बियर्ड जो है वो थिक भी होगी। तो बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आता है कि भाई हमें मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद क्या यूज करें, तो भाई आप इवियान 400 यूज कर सकते हो। और एक ऑप्शन और है कि भाई आप बियर्ड ऑयल की तरफ भी जा सकते हो, बियर्ड ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई आप लोग देख लो, ये है भाई इनके फ़िलहाल का कंडीशन कैसा है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले 1 मंथ का रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, फिर उससे आप लोग कंपेयर करना कि कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। ये भाई आप चेक कर सकते हो, ये है 1 मंथ का रिजल्ट, आप लोग देख सकते हो कितना ही कम बियर्ड है, मतलब एक तरह से देखें तो एकदम भी बियर्ड नहीं है। अब आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल कंडीशन क्या है इनका, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये है 6 मंथ का रिजल्ट, देख रहे हो आप। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल का कंडीशन कैसा है, तो ये रहा भाई, आप लोग देख सकते हो फुल बियर्ड आ चुकी है। तो अगर आप भी मिनोक्सिडिल को कंटिन्यू यूज करते हो तो भाई आपको भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना भाई, और अगर आप भी मिनोक्सिडिल यूज करते होगे तो किस ब्रांड का मिनोक्सिडिल यूज करते होगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।